बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सालार खान की यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद, आपको खुशामदीद। ठीक है, ज़रा हमारी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर होती है जी, इसको ज़रा माइंड ना किया करें। एनीवेज, आज पिछले लेक्चर में हम राउंडिंग ऑफ को समझ चुके हैं। मेरा ज़रा आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं था ज़्यादा, आई एम सॉरी फॉर दैट। और उससे पहले जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम इस पोजिशन में हैं कि हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन के रूल्स को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूं जी, किस चीज की? सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। इसका मतलब कि अगर हम कैलकुलेशंस करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट में कितने होने चाहिए। यानी वो पहले जो हम राउंडिंग ऑफ को डिस्कस करें तो मैंने आपको जनरली कहा कि मैंने उसको शॉर्ट करना है, कितना करना है, तो उसमें तो कोई बाउंड नहीं है जी। कोई जनरल नंबर आपको गिवन है, जनरली आपको कोई कह दे 3 decimal places तक राउंड ऑफ करें, ठीक है, वो तो आप कर देंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उसका अपना रूल होता है जी। और वो क्या होता है, तो चले लिख के जरा मेरे साथ रूल्स, रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका फर्स्ट नंबर रूल है, लिख के जरा पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, बुक से लिखते हैं जी। व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज are added or subtracted, the final result is as precise as the least precise of the physical quantities. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप किसी 1, 2, 3, 4 जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, फाइनल आंसर कितना प्रिसाइज होना चाहिए, उतना प्रिसाइज होना चाहिए कि जितना सबसे कम वाला फिजिकल क्वांटिटी प्रिसाइज है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिसीजन का ताल्लुक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के साथ है कि नहीं है। प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इस तरह होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट कंटेन्स हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, फाइनल रिजल्ट विल कंटेन the number of decimal places that are, यार बुक से मैं लिखता हूं, फिगर कंटेनिंग आफ्टर द एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग राउंड द कीपिंग एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द फिगर कंटेनिंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, फाइनल रिजल्ट विल कंटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज इन, एज इन क्या चीज? फिगर कंटेनिंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, एज इन फिगर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट वर एडेड या सब्ट्रैक्टेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज, तीन फिजिकल क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट करें तो फाइनल रिजल्ट में उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने के सबसे कम हो उन फिजिकल क्वांटिटीज में। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया, एक में 1 decimal place है, एक में 2 decimal places है, तो फाइनल रिजल्ट में कम वाले डेसिमल प्लेस होने चाहिए, यानी 1 decimal place होना चाहिए। समझाते हैं जी आपको बुक के एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 44.56 plus क्या चीज है 0.00698 और 1103
1103.2, इन तीनों को आपने ऐड करना है, इन तीनों को आपने ऐड करना है जी। तो ठीक है, एडिशन तो आपको आती है, अब जो है जनरल एडिशन पहले करें। तो देखिए 5 फिर 8 फिर 9, 6 और 12, 1 कैरी 5, 6, 7, 8, डेसिमल पॉइंट 4 और 3, 7, 4 और 0, 4, 1, 1, 4, 7, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, ये कितना प्रिसाइज होना चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कि इनमें सबसे लेस प्रिसाइज कौन सा है। यानी ये प्रिसाइज है अप टू 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस। ये है अप टू 1, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस, और ये है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। इसका मतलब ये 8 आपका डिजिट टू बी रिटेन्ड है, और द डिजिट टू बी ड्रॉप जो है वो आपका है 2985। तो देखें 4 डिजिट है, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होगा, 5000 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है कि द डिजिट टू बी रिटेन And is less than the standard, that is 5000. इसका मतलब है कि इसको directly drop करें with ये तो digit to be dropped है यार, digit to be dropped. तो digit to be dropped अगर less than 5000 है, directly drop करें, और digit to be retained unchanged आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन कितना होगा, 1147.8 इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई जी। एक और एग्जांपल की मैं अगर बात करता हूं, रीडिंग टेकन विद डिफरेंट 5 टाइम डिवाइसेस। तो टाइम्स आपको चले फॉर इंस्टेंस गिवन है, मैं यूनिट की बातें नहीं करता हूं इधर। तो T1 आपको गिवन है जी 32.54 है सेकंड्स, 32.54 इसके साथ ऐड करें 10.52 जो भी है, और फिर ऐड करें 2.5। तो देखें पहले तो आप द एडिशन करें, 4 और 2 6 5 5 5 15, 1 कैरी 4 4 5 पॉइंट इधर ही आएगा 3 और 1 4। अब देखें द आंसर वुड बी एज प्रिसाइज एज द लीस्ट प्रिसाइज। तो ये प्रिसाइज है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये भी 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। इसका मतलब 5 को मैंने रिटेन करना है और ड्रॉप मैंने करना है 6 को। तो ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब रिटेन डिजिट के साथ आपने ऐड करना है 1 को। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 45.6 सेकंड्स। ठीक हुआ कि ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ जी। एक और एग्जांपल आपको करवा दूं कि नहीं, बस ये काफी है। अगर एक और लेंथ की मैं बात करता हूं, चले यार बस ये काफी है, या चले 2 डेसिमल प्लेस तक मैं बात करता हूं, 22.52, 36.392 और 44.513। चले अब देखें, पहले तो डायरेक्ट एडिशन करें, 3 और 2 5, 9 12, 5 5 10, 14 1, 6 7 8 9 और 4 13, और फिर 4 और 3 7 8 9 और फिर 10, और डेसिमल प्लेस एग्जैक्टली नीचे आएगा, 103.425 आ गया। इसमें डेसिमल प्लेसेस उतने होंगे जितने के सबसे कम वाले में है। सबसे कम कितने हैं? इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3। तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में 2 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। इसका मतलब इस 5 को मैंने ड्रॉप करना है। ये 5 ड्रॉपिंग डिजिट आपका अगर 5 है, तो पीछे आप देखेंगे कि रिटेन डिजिट इवन है या ऑड है। अब इधर क्या है जी, इधर इवन है। तो अगर इवन है तो रिटेन डिजिट जो है उसको अनचेंज ही रहने दे। इसका मतलब इसका जो आंसर है 103.42 आएगा। अगर ऑड होता तो रिटेन डिजिट के साथ हमने 1 ऐड करना होता। तो ये क्या हुआ जी, ये नंबर 1 रूल हुआ जो कहता एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। अब दूसरा रूल जो है वो द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। तो दूसरा रूल मैं इधर लिखता हूं, द रूल ऑफ
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो ये क्या रूल होगा, व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज, व्हेन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए. द रिजल्ट हैज द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मैं लिखता हूं, हैज सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर, एज द क्वांटिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ व्हाट, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतने होंगे जितने के उनमें सबसे कम में होंगे. यानी दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, एक में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक में पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फाइनल आंसर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. सिमिलरली आपने तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एक में तीन है, एक में पांच है, एक में चार है, तो फाइनल रिजल्ट आप पहले मल्टीप्लीकेशन करें, फाइनल रिजल्ट में तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें है. अगर एक और वर्ड में मैं यहां पर लिखूं इसको, Final result will contain significant figures कितने, as much as present in least accurate फिजिकल क्वांटिटी. उन फिजिकल क्वांटिटीज में जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट होगी, यानी मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू व्हाट, टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसका मतलब जितना वो कम एक्यूरेट होगा उतना वो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें होंगे. तो जो कैलकुलेशन में सबसे कम एक्यूरेट होगा फाइनल रिजल्ट भी उसी की एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा. किस तरह, तो बुक में देखिए क्या कहता है जी. बुक आपको कहता है फर्स्ट 44.26 मल्टीप्लाई 2.41 44.26 मल्टीप्लाई 2.41. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4426 नहीं है, 4526 है, 4526 है, 45.26 मल्टीप्लाई 2.41. कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे डेसिमल वाले नहीं आते तो इसलिए जरा डर लगता है मुझे इससे. 254 क्रॉस करें, 4 6s are 24, 4 2s are 8 9 10, 4 5s are 20 और ये 21, और फिर 4 4s are 16 17 18, फिर 2 6s are 12 और 2 2s are 4 or 5, 2 5s are 10, 2 4s are 8 or 9. अच्छा ये 6, ये 4 2s are 6, 5 or 2 7, 5 or 5 10, 8 or 1 9, 9 on 1 0, और ये 1 इधर के. अच्छा अब इसमें दो डेसिमल प्लेस थे, इसमें भी दो डेसिमल प्लेसेस थे, तो फाइनल आंसर में चार डेसिमल प्लेस होते हैं. ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है ना जी, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 109.0766. यस बिल्कुल सही है जी. अच्छा अब क्या करेंगे इसको, ये तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया, लेकिन अब ये कितना एक्यूरेट होगा, तो देखिए कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगे. तो देखिए अब ये इसमें जो है चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फाइनल रिजल्ट में भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. यानी 109 तक मैंने इसको रखना है जी, 109 तक. तो इसका मतलब है कि ये मेरा डिजिट टू बी रिटेन्ड है और ये जो है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है. तो देखिए डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या लेस देन 5000 है कि नहीं है, बिल्कुल है. तो अगर है तो डिजिट टू बी रिटेन्ड आपका अनचेंज हो जाएगा. तो इसको आप लिख सकते हैं 109, समझ आई, या फिर आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 1.09 × 10^2.
एक ही बात है जी, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कुछ और है कि नहीं है इसमें? मेरे ख्याल में नहीं है यार। मैं देखता हूँ, अगर मैं करता हूँ 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3.856, 3.856 मल्टीप्लाइड बाई 3.6, तो यार ये खुद कैलकुलेट करें कितना आता है। मैं डायरेक्टली इधर से लिख रहा हूँ 13.8816, 13.8816। तो अब देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, जितने सबसे कम वाले में है। तो इसमें देखें चार सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें दो है तो इसमें भी दो होने चाहिए, यानी 13 को मैंने रखना है, डिजिट टू बी रिटेन है, फाइनल डिजिट 3 है, और ये जो है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है। तो देखें क्या ये ग्रेटर देन 5000 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपने रिटेन डिजिट के साथ 1 ऐड कर देना है, इसका मतलब कि ये आ जाएगा 14। इसका आंसर आ जाएगा जी कितना, 14, बिल्कुल सही है जी। अगर आप 3.2 को डिवाइड करें 5.42 पे, 3.2 को मैं डिवाइड करता हूं 5.42 पे, कैलकुलेटर से करें, कैलकुलेटर सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं जानता, ठीक है। तो आप पहले कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालें, फिर आप खुद इसमें एडजस्टमेंट करें। तो क्या आता है जी, 0.605 0.605 44 280 280। तो आप देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर फजूल में है, मुझे कितने चाहिए, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें भी मुझे दो चाहिए। अब देखें 0 to the left, अब 0 to the left इज अ नॉन सिग्निफिकेंट, इसका मतलब इस जीरो को मैं शुमार नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे ये दो चाहिए होंगे 0.60। अब 0 to the right सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब ये जीरो मेरा डिजिट टू बी रिटेन है, और ये जो है ये मेरा डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है। देखिए स्टैंडर्ड इसके लिए क्या होगा, 500,000, क्या डिजिट टू बी रिटेन इससे ग्रेटर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इससे ग्रेटर है, तो रिटेन के साथ 1 ऐड करें, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर 0.61 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। समझ आई कि नहीं है, बिल्कुल आई। तो ये कुछ आसान आसान से रूल्स थे जी। अगर मैं रिवाइज करूं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं तो उसमें आप डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं, उसमें आप प्रिसीजन को देखते हैं। जितने कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने आपने लेने होंगे। लीस्ट प्रिसीजन या लीस्ट डेसिमल प्लेस जिस फिजिकल क्वांटिटी में होगा फाइनल रिजल्ट में उतने डेसिमल प्लेसेस या प्रिसीजन होगी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप एक्यूरेसी को देखते हैं या फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, तो इसमें भी आप लीस्ट को देखते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी लीस्ट होगी या जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट होंगे फाइनल रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा, यानी डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक हो गए जी, बिल्कुल। अब ये तो थोड़े से आसान आसान सवाल मैंने किए, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से एग्जांपल्स कराऊंगा। अगर लेट से ये आप अपना होमवर्क ले ले और ये इसका मुझे आंसर अगर आप फिर बताएं तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, और आप मुझे आंसर किधर बताते हैं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये होमवर्क ले ले, और ये इस तरह के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन खैर इतनी तो थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई, तो ये होमवर्क ले, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जब तक मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।